हेलो साले साहब। नमस्कार नमस्कार। और सब कुशल मंगल? आपकी दीदी आलिया को लेके बाहर गई हुई है पार्लर। वो उसका बाल कटवाना है ना, अगले हफ्ते से नेशनल स्विमिंग कोचिंग क्लास चालू हो रही है ना, इसलिए। नहीं, बाल तो मुझे भी उसके काफ़ी पसंद ही हैं, लेकिन कटवाना ज़रूरी है यार। हाँ मालूम है मालूम है। अरे बचपन में मास्टर जी ने कहा था ना, सबसे ज़्यादा फोकस बालों से बिगड़ता है। और लड़कियाँ तो यू नो हाउ इट इज़, इतना टाइम अगर मिरर के सामने कोई गुजारेगा तो कंसंट्रेशन तो बिगड़ना ही है भाई, तो इसीलिए बाल तो कटवाने ज़रूरी थे। अरे आपकी भांजी भांजों से कम है के हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? हाँ बोलो बोलो। अरे बोलो साले साहब, इतना झिझक क्यों रहे हो? अरे भाई बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? ओके। सॉरी 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 सॉरी, और नहीं मजाक उड़ाऊंगा, सॉरी। अरे आपने सवाल ही वैसा पूछा, शादी के बाद बच्चों की जरूरत होती है या नहीं होती है? अरे भाई इंडिया में शादी तो होती इसलिए है कि बच्चे पैदा किया जा सके, 130 करोड़ की आबादी ऐसे थोड़ी ही बनी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, और मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हाँ हाँ, पर एक बात बताओ, ये सवाल आपके जहन में आया कैसे कि शादी के बाद? आई मीन ये तो क्वाइट नॉर्मल और नेचुरल है ना कि शादी के बाद तो बच्चे होते ही हैं। प्रेशर, देखो भाई इंडिया में तो हर एक चीज़ के लिए प्रेशर होती है। स्कूल जाओ तो एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम जाओ तो एग्ज़ाम में रैंक का प्रेशर, रैंक अगर अच्छे आ गए तो कौन सा स्कूल या कॉलेज में फिर से पढ़ने वाला प्रेशर, पढ़ाई खत्म हो गई है तो जॉब का प्रेशर, जॉब में 3-4 साल काम किया तो फिर शादी का प्रेशर, शादी किया तो फिर बच्चों का प्रेशर, बच्चे किया तो फिर उनके पढ़ाई का प्रेशर। योर दिस विशियस साइकिल कंटिन्यूस। और ये बच्चा पैदा करने वाला सबसे बड़ा प्रेशर ना अपने माँ बाप से ही आता है। करना क्या है? आप दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ बैठना है और ये डिसाइड करना है कि आप दोनों को बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। और मेरी मानो तो आप दोनों को किसी और को अलाउ भी नहीं करना चाहिए कि आपके बिहाफ में वो डिसीजन कोई और ले सके। माँ बाप चाहते हैं देखो भैया, माँ बाप तो ये भी चाहते थे कि हमारा बचपन कोई दोस्ती ना हो, कि उनके हिसाब से तो हम या उनके बच्चे दुनिया के सबसे बेवकूफ, सबसे इनोसेंट, सबसे मासूम बच्चे होते हैं, और उनके सारे दोस्त ना उनको बिगाड़ने के लिए पैदा होते हैं। आपको तो याद ही होगा, पिछले महीने जब आपको 104 का बुखार आया था तो आपका वो दोस्त मेंढक जिसके ऊपर सब हंसते हैं, आपका दोस्त मेंढक ने ही आपको हॉस्पिटल में लेके एडमिट करवाया था। साला मेंढक अपने बीवी से गाली खाता रहा, अपने बॉस से गाली खाता रहा, 2 दिन तक बॉस का फोन नहीं उठाया, लेकिन आपको अकेले नहीं छोड़ा। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चे घर में खुशियां लेके आते हैं, लेकिन ये खुशियां बटोरते बटोरते दो इंसान बिल्कुल गुम हो जाते हैं। और आपको पता है ये दो इंसान कौन होते हैं? ये दो इंसान होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत ही कम हस्बैंड ही रियलाइज करते हैं कि उनकी बीवियां कौन सी तकलीफों से गुजरती हैं। कैसे लगेगा अगर मैं आपको ये कहूं कि जब मैं ऑफिस में होता था आपकी दीदी कम से कम दिन में 4 से 5 बार उल्टियां करती थी। कभी कभार आलम तो ऐसा था कि सारी उल्टियां फर्श में हो जाती थी क्योंकि वो बाथरूम तक भी ना जा सकी, और फिर उन्हीं हाथों से कोई कैसे खाना खा सकता है? जरूरत के वक्त तो कोई भी साथ नहीं था, कोई भी नहीं था। और प्रेशर की बात करते हो, प्रेशर तो ऐसा था भाई कि माँ बाप तो ये कह के चले गए
कि तुम लोग बच्चे पैदा नहीं करो, इसलिए हम लोग का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम दुनिया को खुश करने के लिए शादी करते हैं, हम दुनिया को खुश करने के लिए बच्चे भी पैदा करते हैं, और अगर कहीं गलती से आपके यहाँ बेटी पैदा हो गई तो फिर से दुनिया को खुश करने के लिए आप फिर से जद्दोजहद में लग जाते हैं कि आपके यहाँ पे बेटा पैदा हो। लेकिन अगर किसी ने आलिया के बारे में ऐसा कुछ कहा ना, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ना होगा। मुझे साला ये समझ में नहीं आता कि ना कभी दुनिया वालों ने ना कभी फैमिली वालों ने हमें ये सिखाया हो कि अपने बीवी को हमेशा खुश रखा करो। हमारे सोसाइटी में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन की तभी वैल्यू होती है जब वो बच्चे पैदा करते हैं, नहीं तो गॉड नोस। सी, मदरहुड इज अ जर्नी। ये 9 महीने में एक लेडी को बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे खाने अच्छे नहीं लगेंगे तो क्या करोगे? रात के बीच में उठ के ऐसा खाने को मन करेगा जो कि घर पे होगा नहीं तो क्या करोगे? हाथ पांव कंटिन्यूअसली दर्द करेंगे तो क्या करोगे? ऑफिस से जल्दी आना पड़ेगा, बॉस को झूठ बोलना पड़ेगा, अप्रेजल को दांव पे लगाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजों के लिए तैयार हो तभी बच्चे के लिए सोचो। अगर अपनी बीवी के साथ हाफ प्रेग्नेंट बन सकते हो तभी बच्चे के लिए सोचो।